और चलिए जी राजस्थान की महाकवरेज जारी रहेगी। इसी बीच रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी निजाम का। निजाम, दोनों ही पार्टियों की सूची आ चुकी है, किस तरह के समीकरण इस सूची में देखने को मिल रहे हैं? सबसे पहले तो देखिए कि जिस तरीके से जो सोशल मीडिया की चर्चा है वो बता देते हैं, 124 बनाम 33, यानी कि अभी कांग्रेस ने 33 सीटें जारी की है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कुल दो सूचियों के जरिए, दो लिस्टों के जरिए 124 जो जारी कर दिए। अब आते हैं हम, आज जो कांग्रेस ने पहली सूची जारी की उस पर टाइमिंग पे, कांग्रेस ने बीजेपी की सूची जारी, दूसरी सूची जारी होने के करीब ठीक 10 मिनट बाद जारी की, और कल जो कहा जा रहा था 70 से ज़्यादा नाम आने थे, आज वो नाम आए 33। दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जो प्रियंका गांधी की सभा के दौरान जिन लोगों के नाम पुकारे थे, उनके नाम शामिल नहीं है, चार नाम, हुड्डा के साथ ही तीन और नाम जो थे दोसा के विधायक, वो नहीं है, यानी कि कुछ गड़बड़ तो है। अगर गड़बड़ नहीं होती तो आज पहली सूची में होती। दूसरी बात, जो 33 जो जारी किए गए उसमें 32 नाम पहले के हैं, सिर्फ एक नाम जो है मुंडा से ललित यादव का नाम नया जुड़ा है, पिछली बार ये बीएसपी से चुनाव लड़े थे। देखिए कांग्रेस के में जो पहली सूची है उसमें सचिन पायलट खेमे के 5 लोगों को टिकट मिला है, इसमें इंद्राज गुर्जर हैं, मुकेश भाकर हैं, रामनिवास गावड़िया और अमित चाचान जो है इसमें शामिल है। अब आते हैं बात कहें तो बीजेपी में, तो राजस्थान देखिए बीजेपी की जो पहली सूची के बाद जो 41 लोग ने हुए थे उसका विरोध हुआ, लेकिन दूसरी सूची में एक तरीके से आप कहिए बहुत सदी हुई सूची जारी की, और ज़्यादातर जो सिटिंग एमएलए हैं उनको टिकट दिया गया, जो पहले प्रत्याशी थे उनको भी दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात, वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री, उनके खेमे के जो 11 विधायक हैं उनको टिकट दिया गया। जैसे बात करें हम तो छबड़ा से प्रताप सिंह सिंघवी, मालवीय नगर से कालीचरण सराफ, संगरिया से गुरदीप सिंह, निबाड़ा से ममता भूपेश जी हमारे साथ, निजाम में आ रहा हूँ आपके पास। ममता भूपेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ममता जी स्वागत है जी राजस्थान पर मैम आपका, और बधाई आपको, तो बधाइयों का सिलसिला सोशल मीडिया पर भी जमकर बधाई मिल रही है आपको। क्या कहेंगी मैम, प्रतिक्रिया आपकी सबसे पहले? बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने फिर से मुझे अपना प्रत्याशी बना के एक बार पार्टी ने भरोसा जताया है। मैं उनके भरोसे पे और हमारी सिकराय की जनता के आशीर्वाद से एक बार पुनः सिकराय का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिलेगा, और निश्चित तौर पर सिकराय को जिस विकास की कड़ी से हमने 5 वर्षों से जोड़ा है उसको और निरंतर आगे बढ़ाना, राजस्थान सरकार की योजनाएं जो हमने ग्रामीण जनता तक पहुंचाई उनको और नीचे तक इम्प्लीमेंट कराना, महिलाओं के प्रति किस तरह से राजस्थान, जल्दी से मैम कौन सी योजनाएं आपने पहुंचाई और अब क्या लेकर आप जनता के बीच में जाने वाली हैं, कौन से मुद्दे लेकर जाने वाली है वो जल्दी से एक बार बता दीजिए। देखिए बहुत मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो जुमले दिए थे राजस्थान को, जो ERCP का मुद्दा था हमारे 13 जिलों का, ऐसे तमाम बातें जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री जी तक ने भी कह के और वो अपनी बातों से मुकर गए, तो इन सब बातों को लेके हम जनता के बीच जाएंगे। महंगाई रात कैंप हमने चलाए, निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान ने बहुत अव्वल काम किया, मेरे विधानसभा क्षेत्र में चाहे कॉलेज हो, चाहे तहसीलें हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, हमने तमाम तरह के विकास की चीजें जोड़ी हैं, जिन बातों को लेके हम पुनः अपने क्षेत्र के अंदर मैदान में उतरेंगे जनता की दुआओं और आशीर्वाद के साथ। शशि मोहन मेरे सहयोगी कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। शशि, हाँ शशि मोहन जी नमस्कार। ममता जी नमस्कार। सवाल यही है ममता जी कि आप बधाई अपेक्षा कर रही हैं या शुभकामनाएं, क्योंकि एक मुकाम तो आपने हासिल कर लिया लेकिन अभी बड़ी चुनौती सामने होगी चुनावी मैदान में। देखिए बड़ी चुनौती मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा अपना जो परिवार है सिकराय का, उसने हमेशा एक हिम्मत और ताकत के साथ में मेरे पीछे वो खड़े रहे, मेरे कार्यकर्ताओं की इतनी मजबूत एक टीम हमारे साथ में है, और पार्टी का बहुत बड़ा लीगेसी हमारे साथ में है, जो कांग्रेस जिसने इस देश को आजादी से लेकर आज तक आगे बढ़ाया है, कांग्रेस का अपना इतिहास है, कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता है, हम सब कमिटेड होकर चुनाव लड़ेंगे, हमारे लिए ये कोई चैलेंज नहीं है, हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूती से काम करें जी। नहीं, शुभकामनाएं चाहिए या बधाई, सवाल ये था मूल। मुझे आशीर्वाद चाहिए, अपनी जनता का आशीर्वाद। और आशीर्वाद आपको मिल गया कल मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन उन लोगों को नहीं मिला अभी जिनका टिकट रुक गया, परसादी लाल जी, जीआर खटाना, मुरारी लाल मीणा जी और
ओम प्रकाश हुड्डा, 5 नाम लिए, केवल एक नाम लिस्ट में आया, बाकी 4 इंतजार कर रहे हैं अभी। देखिए सतत प्रक्रिया रहती है टिकट की, तो आप उनके भी नाम जिन जो प्रत्याशियों को हमारी शीर्ष नेतृत्व तो अप्रूव करता जाएगा उनके भी जल्दी आ जाएंगे टिकटें, तो बहुत जल्दी आने वाली है, मैं समझती हूँ 1-2 दिन में हमारे सबके नाम आ जाएंगे। ममता जी मेरा एक छोटा सा सवाल था आपसे कि कुछ समय पहले जो है आपका विरोध भी सिकराय में देखा गया, उस विरोध को कैसे दूर करेंगी? देखिए कोई विरोध नहीं है, किसी प्रकार का कोई कार्यकर्ता का कोई मन मुटाव हो तो वो सब घर में बैठ के बात की जाएंगी, ऐसे विरोध कुछ नहीं है, सब ये प्रोपोगंडा रहता है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रपोज किए हुए बातें होती है, इसलिए ऐसा कोई विरोध नहीं है। मेरी जनता बहुत मुझे प्यार करती है और मैं अपने परिवार की तरह से उनके बीच में रहती हूँ जी। चलिए ठीक है, शुक्रिया ममता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना कीमती